एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, साथ ही साथ हमारे वीडियो से आपका भला हो सके। वीडियो आपको अच्छी लगे, यानी कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो लाइक जरूर करें और अपने मित्रों और परिवार गण में जरूर शेयर करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही शक्तिशाली और सरल वसीकरण टोटका, जिसका इस दुनिया में किसी के पास कोई तोड़ नहीं है। अगर आपने एक बार ये वसीकरण कर दिया तो समझो 101% डन वसीकरण हो गया, और एक बार वसीकरण हो गया तो ये मान लो मैं खुद भी इस वसीकरण को नहीं तोड़ पाऊंगा। बहुत ही शक्तिशाली वसीकरण है, बहुत ही सरल है। चलो जानते हैं इस सरल वसीकरण उपाय को। सबसे पहले आपको एक नींबू लेना है, यानी कि सिर्फ आपको एक नींबू लेना है और एक कील लेनी है इस काम के अंदर। इस टोटके को आप अपने दुश्मन के खात्मे के लिए कर सकते हो। ये टोटका खास आपके दुश्मन को मजा चखाने के लिए बनाया गया है, उसको दंडित करने के लिए ये टोटका बनाया गया है। अगर आपको कोई ऐसा दुश्मन है जिसने आपका जीना दुर्भर कर दिया है तो इस टोटके से आप उसे अच्छे प्रकार से दंडित कर सकते हो, उससे अपना बदला ले सकते हो। सबसे पहले आपको एक नींबू लेना है, उस पर अपने शत्रु का नाम लिख दें। नाम आपको सिंदूर से लिखना है, यानी कि नींबू के ऊपर नाम लिखना है, सिंदूर से लिखना है। सिंदूर को थोड़ा गिल्ला कर लें, उसके बाद में ही नाम लिखा जाएगा। सूखा सिंदूर से नाम नहीं लिखा जाएगा, सिंदूर को गिला करके उस पर नाम लिख दें नींबू पर अपने शत्रु का। उसके बाद उसमें एक कील गाड़ दें, यानी कि कील इतनी बड़ी होनी चाहिए कि नींबू के आर पार निकल जाए। छोटी कील ना लें, पहले देख लें आराम से सही कील आपने ली है, आर पार निकल सकती है, वही कील लें और उसके आर पार निकाल दें नींबू के। अब उस पर 7 बार फूंक मार दें, यानी कि नींबू के अंदर से कील निकालने के बाद 7 बार फूंक मारनी है। अब इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, क्री क्री फट। बस इतना सा मंत्र है, बहुत ही सरल मंत्र है। मंत्र को फिर से दोहरा दे देता हूँ, क्री क्री फट, इतना सा मंत्र है। मंत्र जाप के बाद नींबू को शमशान में फेंक दे, यानी कि तुरंत आप जैसे मंत्र जाप करते हो नींबू और इसके अंदर लगी हुई कील वैसे की वैसे उठाकर। एक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि उस व्यक्ति का नाम नहीं मिटना चाहिए। अगर आप नींबू लेके जा रहे हो तो ध्यान से लेके जाना, अगर उसका नाम मिट गया ना वहां से तो ये टोटका निष्फल हो जाएगा, कोई फल नहीं देगा। नाम वैसा का वैसा लिखा होना चाहिए और उठा के उसको शमशान घाट में फेंक दे। ऐसा करते ही उस व्यक्ति का विनाश हो जाएगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। वैसे होते हमने आपको सारी बातें वीडियो में बता दी है, उसके बावजूद अगर आपका काम नहीं बनना है तो गुरुजी से संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो। गुरुजी के नंबर आपको वीडियो में उपलब्ध करा दिए गए हैं, वहां से आप गुरुजी का नंबर ले लीजिए और उसे संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करवा लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद में बेल आइकन को प्रेस करें, उसके बाद हमारी वीडियो को लाइक करते हुए अपने मित्रगण में इस वीडियो को शेयर कर दें।